अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची, तो सवारी निकल रही है, सवारी में बैठ के बात करते हैं क्योंकि इनकलाब चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलो भाई, बहरिया टाउन का सफ़र हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बता दें कि वहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या हाल अहवाल चल रहा है और क्या मामला चल रहे हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ है हमारे वन एंड ओनली फ्रेंड मिस्टर साले भाई, और साथ है मुशाहिद अहमद भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। तो बहरिया में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको आज एक बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है इंशाल्लाह ज़वजल। अच्छा भाई, ये कासमाबाद की गलियां हैं और ये आप देख रहे हो इलेक्शन का इस वक्त माहौल लगा पड़ा है, बिल्कुल फिट फाइन फंटास्टिक। रोड रस्ते वगैरह जो है वो आपके सामने ही, बारिशें टाइट हुई हैं लेकिन फिर भी मामला बेहतर है। और ये हमारी जान है, जो रक्षा है ना यहाँ पे, देखो ये भाई दरिया सिंध है और अलहमदिल्ला लबालब भरा हुआ है। बहुत कम इसमें पानी होता है लेकिन अभी क्योंकि बारिशें वगैरह काफ़ी हो रही हैं तो पानी भरा हुआ। और ये हम जा रहे हैं अभी हाईवे पे, ये चेक करो भाई। अच्छा जी, ये आ गया हमारा गेट मोटरवे वाला और इसमें ये यहाँ पे लगा हुआ एम टैग, ये एम टैग है। और ये पूरा डेटा वगैरह अपना ले लेंगे तो वो जो नॉर्मली जलालत होती है लाइन वाइन में लगने की, कार्ड शार्ड लेने की, वो नहीं करनी पड़ेगी। वो एम टैग जैसे सालिक होता है ना अपने दुबई में, ये एम टैग है इसका, तो सालिक की तरह इसको खुद ही कर लेगा। और ये देखो डायरेक्ट, और हम लोग सीधा निकल जाएंगे आराम से। हैदराबाद से कराची कोई भी ट्रैवल करता है तो वो यहाँ नूरियाबाद पर लाजमी रुकता है। इसकी दो वजूहत होती है, एक तो एक वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं और दूसरा ये कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं उनके ऊपर अपनी रिफ्रेशमेंट या खाने या चाय वगैरह जो है वो भी कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वो इस वक्त है बहरिया का चीता। सर सर, हाँ भाई, फिर आज हम कोई अच्छी प्रॉपर्टी ले सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पक्की बात है इंशाल्लाह। और जो देखने वाले उनको क्या कहोगे बहरिया के बारे में? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कितने साल आपको हुए बहरिया में? तीन साल। तीन साल में चक्कर मक्कर तो नहीं हुआ कोई? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। कोई लूट गया हो, तबाह हो गया हो, बर्बाद हो गया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। डूब तो नहीं जाएगी ना? ये सब बात है। अपना माल डूब तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से। देखो डबल डबल करके डबल शाह वाला काम होगा, पक्की बात है। देखो रियाल हमने धूप में जला के अपनी स्किन बनाया। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह आप डबल करवा कर देंगे। चलो भाई, हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह देखने, कुछ ऑप्शंस वगैरह बताएं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो जो भी इंटरेस्टेड हो फिर इंशाल्लाह देखेंगे मामला। ये भाई हमारा कल्चर है, इस तरह नशिस्तें होती हैं होटल के ऊपर बैठने बैठने का सेटअप पूरा। यहाँ का क्या अच्छा है साले भाई? चाय अच्छी है। चाय अच्छी है यार, चाय की जस्ट चेक करो यार। उफ, सीमेंट फैक्ट्री है, पावर सीमेंट। आज क्लाउडी वेदर बड़ा फंटास्टिक है आज भाई। यार ये देखो, कह रहे हैं कि नूरियाबाद में बन रहा है बहरिया फेज टू, ये वाला देख रहे हो गेट, और ये बनेगा जाकर जाम शोरों तक। मतलब एक गेट इधर होगा, एक जाम शोरों में जाके निकलेगा। कितना बड़ा होगा ये? कौन सा फेज टू बना रहे हैं यहाँ पे? ये बहरिया टू बन रहा है। और कितने एकड़ तक होगा तकरीबन ये? वो ज्यादा पता नहीं है, वो बाद में डिस्क्लोज होता है कि बहरिया एक्चुअली कितने एकड़ पे। लेकिन अभी जो बहरिया की आबादी वो है, मेरा ख्याल है रकबा जो अप्रूव्ड रकबा है 75,000 एकड़ है, और उसके अलावा जो है वो तो खैर सबको पता है कितना है, लेकिन बहुत ज्यादा है यार 75,000 एकड़ भी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, सामने जो है वो और हाउसिंग सोसाइटी पूरा आप देख रहे हो, ये बेल्ट पूरी भरने वाली, ये पूरी रोड जो है ना इस तरफ। ये भाई बहरिया की टनल है जो कि हाईवे कटते के साथ ही आती है बिल्कुल। मतलब हम लोग अब नाउ वी आर ऑफिशियली एंटर्ड इन बहरिया। हाय शाबाश, ये तो भाई अपना वो जो वानी जाते हैं कहाँ वाला, अटलांटिस की तरफ जाते हैं,
अटलांटिस वाली टनल बनाई है बैरिया ने तो फुल टाइम, वो फील आता है। चेक करो यार ये चीज। मलिक रियाज बाबा कम सीखे हुए ये जी हम इंटर हो रहे हैं अभी बैरिया टाउन में। अच्छा बैरिया में जो इंटर होने वाली फीलिंग्स होती है ना, मतलब वो वाइब्स ही अलग है। मतलब लाइट नहीं जाएगी पाकिस्तान में, लाइट नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है लाइट। कैसा लगता है आपको बैरिया में इंटर हो गए? बैरिया में इंटर होते ही वो दुबई वाली फीलिंग आ जाती है। शाबाश है। और तौहीद स्क्वायर है ये मेन, इन्होंने अपने सारे बना दिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। सारी ऑफिस है सर, ये सारी ऑफिस है। अच्छा सब रियल एस्टेट ऑफिस है, बिल्डर्स की और कार्निवल्स वगैरह भी है। तो यहीं पे कहीं मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मेरा भी अपार्टमेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी आप चेक करें मेन जिना एवेन्यू है। कितने फीट चौड़ी रोड है ये? 120 मेरा ख्याल है, 120 रोड है ये, 6 लेन। चेक करो। और ये हाई राइज बिल्डिंग है सारी यहाँ पे बनी हुई, ये सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं। बैरिया हॉस्पिटल, डे नाइट सफारी, डोमेनियन बन रहा है ये। मतलब बैरिया बैरिया है ब्रो। बीटीके। सो ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब 75,000 acres पे फैला हुआ। और ये 75,000 acres वो है जो अभी तक एक लीगल लैंड है, इसके अलावा बहुत बड़ा फैला हुआ और बहुत ज्यादा बाइंग अभी चल रही है। मतलब ये पीछे तक जाएगा, हैदराबाद तक, जामशोरो तक जाके ये मिल जाएगा ये सेम प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट्स हैं सामने, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले इंटर होते के साथ? सर वालों के हैं, कोई कोई कुछ जीएम वालों के हैं, कुछ जिना एवन वालों के हैं। सही है, मुख्तलिफ मतलब जो है ना। और ये सारे रेंट आउट हुए हैं, ये देखो हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अभी नए नए, काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। ये हाई राइज जुराको टावर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट। मेरा अपार्टमेंट भी इस साइड पे है। अच्छा जिना एवेन्यू में ये आपका है। तो जिना एवेन्यू के ऊपर जो मेन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स है उनकी कॉस्ट जो है वो काफी हाई है और आने वाले दिनों में मजीद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सामने इनका क्या है, कार्निवल एरिया है पूरा, वो थीम पार्क है, एडवेंचर लैंड। फंटास्मो इनका एक बना अच्छा वाला, वो किधर है? ये स्पोर्ट्स विलाज है। और ये इनका सारा तरतीब है उधर की यार, ये भी अच्छे बने हैं। ये हेड ऑफिस है बिल्कुल बैरिया की सामने, ये हेड ऑफिस है, सब इस तरफ है। ये तो खजूर है बाबा, ये तो हमारा ओमान आ गया। ओमान वाली फीलिंग्स आ रही है, तो वही है, तो मतलब कोई गल्फ कंट्री वाली फीलिंग, गल्फ कंट्री वाली फीलिंग आ रही है। डेट्स वगैरह ये सारी लगी हुई है, ये चेक करो भाई। मतलब बड़ा सुकून देते हैं ये रास्ते हमें। वल्ला हबीबी मौजूद फिल ओमान है। हबीबी कम टू बैरिया टाउन, कम टू दुबई। अच्छा ब्रॉडवे वगैरह भी है, ब्रॉडवे भी है, मिर्ची भी है। क्या कहता हूँ, ये क्या बनाया हुआ लंबा लंबा डंडा है इधर इन्होंने, डंडे पे लगता है झंडा, डंडे पे लगता है झंडा। कैमरा घुमाते मैं कैमरा से, कैमरा के बगैर मुझसे बोलवा लो, बस आप कमेंट्री करते रहो विजय। अच्छा अली ब्लॉक है एशिया से बड़े, वो सबसे बड़ी मस्जिद है पीछे मेरा ख्याल है, ग्रैंड मॉस्क। अच्छा यार पहले ना मैंने यहाँ पे लिया था बहरिया स्पोर्ट सिटी में, मैंने वो लिया था 250 गज का, लेकिन फिर वो मैंने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वो रुक कोई रोल रे जो शिकार थी वो। बिल्कुल। अच्छा भाई ये एशिया का सबसे बड़ा झंडा लगता है यहाँ पे, ये देख रहे हो कितना बड़ा ये डंडा है और इसके ऊपर झंडा है। अली विला के बिल्कुल, अली विला के बिल्कुल साथ, बैरिया टाउन कराची में। सिनेमा है बैरिया का, कौन सा क्या नाम है इसका, सिनी गोल्ड, सबसे बड़ा सिनेमा ये बैरिया का। अच्छा भाई ये इकबाल विला है प्रेसिडेंट 2 और ये बिजनेस टावर वगैरह भी यहाँ पे बनेंगे सारे। ये इस वक्त मोस्ट लग्जूरियस आप कह लो और सबसे महंगा आइटम है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, इकबाल विला और उसके आगे कायद विला, कायद विला प्रेसिडेंट 2। ये देखो ये घर चेक करो भाई, ये यूरोप का घर लग रहा है मुझे।
ये प्रेसिडेंट टू है और ये यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी, ये कायद विला स्टार्ट होगा यहाँ से राइट, लेफ्ट पे कायद विला है, ओके, राइट पे इकबाल विला, ये कायद विला है और वो इकबाल विला है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी अभी तकरीबन? सर अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए का एक विला भाई। वेलकम टू बहरिया टाउन। इनकी मस्जिद, हर प्रेसिडेंट में अपनी अलग अलग मस्जिद है, हर प्रेसिडेंट की अपनी अलग है और कायद विला की दोनों की है। यहाँ पे शॉपिंग गैलरी आगे। अच्छा, ये ओवरसीज है जो सबसे पहले बना था और हम इसकी बैक साइड में इस वक्त, और ये जो है समझ लो कि इलीट क्लास है ये सब। इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो विलाज हैं और इस वक्त इनकी वैल्यू कितनी होगी तकरीबन? इस वक्त 250 की लगाएं। स्टार्ट कितने में हुए थे ये? स्टार्ट ये अप्रोक्सीमेटली अगर विला बना हुआ था तो ये 1.5 से 2 करोड़ में शुरू हुए थे और ये समझ लो कि 5-6 साल के अंदर अंदर ये 5 करोड़ रुपए की स्टोरी बन गई है। अच्छा, एक्चुअल जो साइज है वो इनका 250 है लेकिन कटिंग में 500 के विलास भी लोगों को मिल गए हैं, लेकिन एक्चुअल जो कटे हुए ओवरसीज वो 250 स्क्वायर यार्ड्स के कटे हुए सारे। ये मेरा बिल्डिंग है जो बन गई है ऑलमोस्ट, मतलब अभी ग्रे स्ट्रक्चर इसका चल रहा है, ऊपर फ्लोर जाएंगी। प्रेसिडेंट 1 सामने है, गेट भी सामने है, ये रोड है और क्रॉस करके ये इधर प्रेसिडेंट 2 में। सो प्रोजेक्ट्स इस वक्त काफी टाइट चल रहे हैं और मेरे साथ जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त मार्केट जो है वो डाउन है और इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट टाइम है, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन चल रहा है, आप लोगों को पता है, और रिसेशन की भी बातें हो रही हैं। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट टाइम है, आप इस वक्त पैसा लगाएं, 8-10 महीने साल रुकें, इंशाल्लाह जैसे ही बूम आएगा तो आपका पैसा एकदम क्लिक कर जाएगा, अगर पाकिस्तान में आपका पैसा है तो। और बिलखसूस ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ओवरसीज जो हमारे ब्रदर्स हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट बहरिया को डाउन जाना है, प्रॉब्लम्स होंगी, देयर इज नथिंग, ये सारे रूमर्स हैं, लिहाजा इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत आला टाइम है। और आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दोज माई ओवरसीज ब्रदर्स हु आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट, डू नॉट थिंक, जस्ट थ्रो योर मनी एंड इन्वेस्ट ओवर हियर इन द बहरिया, इधर इन द प्रोजेक्ट्स आर इन द विलाज आर द प्लॉट्स, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम। थैंक यू सो मच। और मैं आपस की बात बताऊं, देखो मैं, मेरे साथ बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में हैंड हुआ था, सही बात बताऊं, लेकिन ये नहीं है कि वहां पर अगर मसला हुआ तो सबका सब ऐसा है, नहीं, वो एक प्रोजेक्ट खराब था, ये प्रोजेक्ट मुझे खुद हैरानगी हुई है देख के इस कदर बहुत बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट बना है। और भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो आप अच्छे बिल्डर के साथ अगर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अच्छे बिल्डर और ट्रस्टवर्दी बिल्डर के साथ, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बहरिया यहां पर डंडा देके 3 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाता है, अदरवाइज हेवी फाइन करता है बिल्डर्स को, प्राइवेट बिल्डर्स को। सो आप बिल्डर के साथ करें, अच्छे ट्रस्टवर्दी बिल्डर के साथ, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। लीड्स कुछ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अपनी तसल्ली करें, मुतमईन हो, अगर आप कहते हैं कि हाँ अच्छा है, हमें अच्छा लगा, प्रोजेक्ट अच्छा है, पैसे अच्छे। एक और बात मैं बताऊं, जब ये प्रोजेक्ट मैंने लिया था उस वक्त जो सरिया और सीमेंट का रेट था वो आज की निस्बत बहुत कम था, आज आसमान पे चला गया, लेकिन मेरी क्योंकि डील कमिटेड है ऑलरेडी जो भी मतलब है, और आने वाले दिनों में ये मतलब समझ लो कि मैं ये देखता हूं कि जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की स्टोरी बन जाएगी विद इन थ्री इयर्स। एक साल तो हो गया ऑलरेडी, 2 साल के अंदर अंदर, तो अगर आपको बैठे बिठाए मिल रही है ऐसी अपॉर्चुनिटी तो जरूर। टू मच बेटर कि आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा अमाउंट लगा के थोड़े से टाइम में यू कैन अर्न मोर देन 50%। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और मुझे दें इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वैसे बिलाल भाई एक बात है, हाँ बोलिए। मेरा मुंह इतना क्यों बड़ा आ रहा है आपके कैमरा में? यार ये सब बताओ बताओ भाई, साले भाई का मुंह बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, कमेंट में बताओ। साले मोटा जैसा मुंह होगा वैसा आएगा। अच्छा नहीं, मेरा भी मोटा ही मुंह आ रहा है, इसमें मोटा ही आता है, ये दिखाता ही ऐसे, छोड़ो इसको। अच्छा ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। आप